हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 27 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो परशुराम कुंड के विकास की नींव हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है और इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की पिलग्रिमेज रिजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना के तहत मंजूरी दी गई है और यह योजना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था तीर्थ और विरासत स्थलों का के बुनियादी ढांचे का विकास करना ताकि रोजगार सृजन के साथ साथ आर्थिक विकास पर भी इसका सीधा और गुणात्मक प्रभाव पड़े। तो यहाँ बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का हिंदी में अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल है बीडी मिश्रा और विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। पड़ोसी देश की बात करें तो वह है चीन, भूटान और म्यांमार, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से, भूटान और म्यांमार से लगती है और यहाँ का नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख दर्रे हैं यांगियाप दर्रा, दीफू दर्रा, पंगसो दर्रा और बुमला दर्रा। राष्ट्रीय उद्यान जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम और यहाँ पे हाल ही में सोलंग त्यौहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HPCL ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक। HPCL ने हाल ही में ICICI बैंक के साथ एक साझेदारी की है। जैसे कि आपको पता है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने हाल ही में ICICI बैंक के साथ एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें यूजर एक साथ कई क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही रिवॉर्ड पॉइंट भी पा सकेंगे। ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड नाम से यह कार्ड ग्राहकों को फ्यूल के साथ साथ उनके दैनिक खर्च जैसे कि बिजली और मोबाइल और साथ ही ई कॉमर्स पोर्टल तथा बिग बाज़ार और डी मार्ट जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रिवार्ड्स और बेनिफिट्स को प्रदान करता है। बात हो रही है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। भारत में इस पेट्रोलियम उत्पादकों के विपणन में इसका कुल योगदान 20.9% है, जबकि तेल शोधन में इसका योगदान 10.3% है। इसके स्थापना हुई थी 1974 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं एस राय चौधरी। वहीं बात करें ICICI बैंक की तो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका और इसके MD और CEO है संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नाम से एक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा यादव ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और यह पुस्तक दर्शाती है कि कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती जा रही है जो आज उनके टूटे हुए संबंधों को आकार देती है।
इस जटिल पैनोरमा को समझना हम सभी के लिए एक सबक है जो चीन और हिंद महासागर में इसकी रूपरेखा पर व्यापक दृष्टिकोण चाहते हैं। तो इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा राव ने, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। बात हो रही है बुक और उसके राइटर की, तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी जान लेते हैं। जैसे हाल ही में एक बुक आई थी जिसका नाम है बुलेट्स वॉर बम्बी सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। इस पुस्तक को उदय भाटिया ने लिखा है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, इस पुस्तक को एंजेला जोली ने लिखा है। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग शशि थरूर ने लिखा है। विशेष कोड टू विन, इसको निरुपमा यादव ने लिखा है। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसको वी कृष्ण स्वामी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा फेयर टू फेल रिपोर्ट को जारी की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिसेफ। यूनिसेफ जिसने हाल ही में फेयर टू फेल रिपोर्ट को जारी की है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को वह पोषक तत्व या भोजन नहीं मिल पा रहा जिनकी उन्हें आवश्यकता है और जिनसे उनका ग्रोथ हो सके। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने, जिसके स्थापना का आरंभिक उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। इसके कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर्ड और स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में यूनिसेफ ने रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है फेयर टू फेल। इससे पहले हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार यमन में वर्तमान में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत घटा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 80%, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% घटा दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ज्ञान अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट फाइलिंग में यह राहत दी गई है। सरकार ने पेटेंट संशोधित नियम 2021 की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 118। रक्षा मंत्रालय द्वारा 118 अर्जुन टैंकों का ऑर्डर दिया गया है, और यह टैंक रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यतः यह युद्धक टैंक MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है। इसे मारक क्षमता, गतिशीलता और उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्जुन टैंक जो पिछले 15 सालों से भारतीय सेना का हिस्सा है और इसे कॉम्बैक्ट वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका निर्माण चेन्नई में सरकार के भारी वाहन कारखानों में किया जाएगा और इसका ऑर्डर रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अविक सरकार। अविक सरकार जो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अविक सरकार इससे पहले एडिटर एमिरेट्स ऑफ आनंद बाजार प्रकाशन समूह के उपाध्यक्ष हैं और वे हाल ही में भारत के शीर्ष समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं।
सरकार ने उन्हें 2 साल के कार्य के लिए चुना है और इससे पहले वह पेंगुइन बुक्स के भारतीय समकक्ष पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक और बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक भी रह चुके हैं। बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, जो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसके स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और एडिटर इन चीफ हैं विजय जोशी और अध्यक्ष बने हैं अविक सरकार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 26 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 सितंबर। 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है वैश्विक समुदायों के द्वारा परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता को दर्शाना। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को परमाणु हथियारों के खतरों से अवगत भी कराना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू हाट। जम्मू और कश्मीर के संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जम्मू हाट नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है और जम्मू कश्मीर में उद्यमियों, खरीदारों, विक्रेताओं और निर्यातकों के लिए एक मंच वाणिज्यिक सप्ताह के अवसर पर जम्मू हाट का उद्घाटन किया गया है। जम्मू हाट, जो स्थानीय कला हस्तशिल्प की प्रदर्शनी गतिविधि, हथकरघा उत्पादों और लघु उद्योग उत्पादों की बिक्री के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, द्विभाजित होकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना। इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और राज्यसभा सीट है 4, लोकसभा सीट है 5। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पश्चिम में स्थित है। नेशनल पार्क है दासीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, KVIC ने किस राज्य में रेशम यार्न उत्पादन केंद्र को स्थापित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा में। तो KVIC ने हाल ही में ओडिशा में रेशम यार्न उत्पादन केंद्र को स्थापित किया है। इस राज्य में रेशम के बुनकर रेशम के धागे के लिए पूरी तरह से पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों पर निर्भर थे, जिससे रेशम के कपड़ों की लागत बढ़ गई थी। लेकिन इस केंद्र की स्थापना के बाद से यह टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और रेशम उत्पादन लागत भी कम होगा। बात आई है टसर रेशम की, जो एक बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसका खुरदुरापन और बुनाई इसे बाकी रेशम के किस्मों से अलग बनाती है। वही बात करें भारत की, तो यह इसकी स्थिति रेशम उत्पादन में 2रे नंबर पर है। भारत का रेशम उत्पादन में 74.51% हिस्सा मलबेरी का, 16.5% एरी का और 8.5% हिस्सा तसर का और 0.55% हिस्सा मुगा का है। वही बात करें केंद्रीय रेशम बोर्ड की, तो यह बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इस बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और इस बोर्ड का कार्य है रेशम उद्योग को बढ़ावा देना, उसका विकास करना, वैज्ञानिक, आर्थिक और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, साथ ही रेशम उद्योग के विकास से संबंधित मामलों पर भी नजर रखना। वहीं बात करें KVIC की, यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, तो यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है तथा यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत
एक शीर्ष संगठन है। यह ग्रामीण इलाकों में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्य करती है, योजना का प्रचार करती है तथा योजना को आयोजित करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन गेम के आदि बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में। ऑनलाइन गेम के आदि बच्चों के लिए एक डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसकी स्थापना केरल में की जाएगी। इसका उद्देश्य है राज्य में ऑनलाइन गेम के आदि बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना और इसके लिए पुलिस की तरफ से डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र को स्थापित किया जाएगा। राज्य में 20 और पुलिस स्टेशनों को बाल अनुकूलन घोषित किया गया है, जिससे राज्य में इस तरह के थानों की संख्या 126 हो गई है। बात हो रही है केरल की, तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। बात करें केरल के करेंट अफेयर की, तो देश का पहला हार्ट फिल्डर बायो बैंक यहाँ स्थापित हुआ है, साथ ही पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, कृषि कर्ण परियोजना की भी यहाँ शुरुआत हुई है, गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कौशम शुरू हुआ है, केरल ने छोटे व्यापारियों और किसानों की सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है और कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल भी यहाँ लॉन्च हुआ है। हाल ही में पीआर श्रीजेश केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, साथ ही यहाँ पे महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? तो इस पोर्टल की शुरुआत हरियाणा में हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। और इसकी शुरुआत हरियाणा राज्य में दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर की गई है, ताकि लोग खेल, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा देने के लिए अपना पंजीयन करा सके। बात हो रही है हरियाणा की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। बात करें हरियाणा के करेंट अफेयर की, तो राज्य के पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है और देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन भी यहां शुरू की गई है और पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में भी इस राज्य का शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लद्दाख में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने लद्दाख में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर सेवा शुरू की है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और इन्होंने लद्दाख में कारगिल के पास हम्बोटिंग ला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है। यह समुद्र तल से 4,054 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह ट्रांसमीटर देश में सबसे अधिक ऊंचाई वाले टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर है। बात करें लद्दाख की, तो यह केंद्र शासित प्रदेश है। यह 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना था। उपराज्यपाल हैं श्री राधा कृष्णन माथुर और यह केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। यहाँ पे नई शुरुआत नए लक्ष्य कार्यक्रम 26 से 28 अगस्त तक आयोजित की गई थी। साथ ही देश का पहला रोइंग सिनेमा यानी कि चलता फिरता थिएटर यहाँ स्थापित किया गया था, जो देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई सिनेमा थिएटर था। लेह को पैगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटा योग सड़क का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण भी आयोजित हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, असम राज्य द्वारा किसे गोपीनाथ बुरदोलोई
पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को असम के द्वारा गोपीनाथ बरदोलई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और असम सरकार द्वारा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए इस लोकप्रिय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें 3 अक्टूबर 2021 को असम की प्रस्तावित यात्रा के दौरान इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत की आज़ादी के बाद असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलई के नाम पर रखा गया है। बात हो रही है असम की, तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी, पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। वहीं पड़ोसी राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। माजुली द्वीप जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।